बिहार के जिस बदहाल शिक्षा को लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार को जमकर कोसा और मंत्री के यानी सरकार का जवाब सुने बगैर वॉकआउट कर गया, उसकी उपलब्धि गिनाते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि मैं चैलेंज देता हूं कि सदन में दी गई एक एक जो जानकारी है, मेरे एक एक शब्द सच है, अगर किसी ने झूठ निकाल दिया तो फिर बिहार सरकार की उपलब्धि क्या रह जाएगी। सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट में भले ही बिहार पिछड़ा हो, लेकिन सरकार की रिपोर्ट में बिहार विकास कर रहा है, ये आरोप विपक्ष का लगाया हुआ है, तो सत्ता के तत्व जवाब भी खूब आ रहा है। शिक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए आज आप सब लोग को पता है, माइक ठीक कर भैया, सेकंड सप्लीमेंट्री में किसी एक ही विभाग के मांग पर चर्चा होती है और आज शिक्षा विभाग के मांग पर चर्चा चर्चा में जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य थे उनकी बातों से भी लगा है कि पिछले दिनों जो हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसे वो भी मानते हैं। कई जगह उनकी बातों से लगा कि वो कुछ और सुझाव देना चाहते हैं। अब जैसे सीधी बात है कि जैसे हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में एक प्लस टू यानी 12वीं तक पढ़ाई करने वाले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है और हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने प्लस टू विद्यालय की स्थापना की है। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी है, तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते थे, हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ प्लस टू विद्यालय खोला है, तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे, आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली, अब पंचायत चुनाव आ गया उसके कारण बाधित है, पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी, जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 2,25,000 शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बाहर। हम तो चाहते हैं कि जिन बातों को हमने विधानसभा में कहा है कोई चुनौती के साथ एक झूठ भी उसमें से निकाल दे, एक झूठ निकाल दे कोई, हम तो चुनौती के साथ करते हैं, पुलिंदा की तो बात छोड़िए, एक पन्ना भी कोई निकाल दे, लेकिन हमने कहा ना कि यही सब इन्हीं सब बातों से तो साबित होता है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार का अंध विरोध करने के चक्कर में वो चीजों को बिना देखे समझे विरोध करे। तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते थे, हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ प्लस टू विद्यालय खोला है, तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे, आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली, अब पंचायत चुनाव आ गया उसके कारण बाधित है, पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए
जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी, जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में 1,25,000 शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली, सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सब की नियुक्ति होगी। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया, कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो ज़रूर भाईचारा रखना चाहिए, कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि शिक्षकों के वेतन भी जो है, हम अपने अगल बगल के प्रदेशों से, चाहे असम हो, झारखंड हो, सबसे अधिक दे रहे हैं, कम देने का कोई प्रश्न नहीं है। और विपक्ष ने वॉकआउट किया है तो स्वाभाविक है, विपक्ष हैं। हमने कहा है कि हमें पता है कि आपकी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, सरकार की उपलब्धियों को देखिए तो अपने सरकार की और हमारे सरकार की उपलब्धियां जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक लाचारी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 844-8277-903।